पैदल आप लोग यहाँ 700 किलोमीटर जाने के लिए, राम मंदिर दर्शन करने के लिए सोच लिए, हाँ। लेकिन आप लोग रास्ता में कहाँ सोते थे, क्या खाते थे? आपका दिमाग में पहले कैसे आया कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँ अयोध्या धाम मंदिर और मोदी जी के साथ पूजा करूँ वहाँ? मैं आप देख रहा था आपका पैर एकदम लड़खड़ा रहा है, चलने नहीं सक रहे हैं, दो लोग पकड़ के चला रहे हैं, और यहाँ से अंबिकापुर से अयोध्या पैदल 700 किलोमीटर गए, तो पैर का क्या हालत है अभी? हाँ, मोर बेटा कही गोड़े गिरी तो कही कि जा थो दाई, हाँ तो कही कि मैं कहीं जा बेटा बनिया ने बनिया फिर बे। जाने समय तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ से लगभग मैं आपका बनारस पहुँचने टाइम मेरा पैर थोड़ा सा खसक गया था, मतलब जैसे मैं हम लोग चल रहा था तो जैसे रास्ता का जो कोर रहता है उसमें मेरा पांव फंस गया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पहली बार जब बताया कि अयोध्या जा रहा हूँ मैं 700 किलोमीटर पैदल, तो आप क्या सोचे? ओ मंगल भवन अमंगल हारी। एक दिन में कितना किलोमीटर चलते थे आप? हम लोग लगभग सूरजपुर जिला के प्रथम नागरिक हैं जो दर्शन करके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको ये बताइए? जब यहाँ से आप पैदल चलना शुरू किए, हाँ। तो लोग क्या क्या बोले और कैसे लोगों का प्रतिक्रिया क्या था ये बताइए कि यहाँ से कितने दिन पहले निकले थे और कितने दिन में आप पहुँचे? जो पैसा मेरे को मिला था रास्ते भर में उसका क्योंकि वहाँ मेरे को अब दिल्ली से नहीं बोल बता सकता हूँ, बयान नहीं करता था, इतना अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। जैसे स्वागत करते हुए गांव वाले आते ही गांव का देवल्ला मतलब गांव का देवस्थान में पहले प्रणाम करके अंदर जो है घर के आगे जाएंगे।
22 तारीख को माननीय मोदी जी के द्वारा श्री राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और साथ में हमारे भाई ने यहाँ से प्रण लिया था कि मोदी जी के साथ ही हम पूजा करेंगे और यहाँ से पैदल मतलब हम इस समय खड़े हैं खरसूरा सूरजपुर जिला ग्राम में अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में, आप जो दूर के हैं नहीं जानते हैं तो यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर 650-700 किलोमीटर दूर पैदल जाने का प्रण लिया भाई ने और जाकर कितने दिन में वापस आए, कैसा कैसे रास्ता का सफ़र रहा, सारा कुछ इनसे पूछते हैं, कैसा सहयोग मिला, कौन सहयोग दिया, कैसे दिमाग में आया, सारा कुछ इनसे मिलेंगे। चलिए सीधे मिलते हैं भाई से। सबसे पहले भैया आपका नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहर लाल रजवाड़े है, मैं खरसूरा का रहने वाला हूँ और पोस्ट मेरा करंजी और जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, ये बताइए कि आपका दिमाग में पहले कैसे आया कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँ अयोध्या धाम मंदिर और मोदी जी के साथ पूजा करूँ वहाँ? मेरे को तो ये मतलब बहुत दिनों से जब वहाँ जब स्टार्टिंग हुआ था, सबसे पहले जब वहाँ बनने के लिए स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम मेरा मन में आया था कि हम लोग को भी जाना चाहिए था, पर उस टाइम हम लोग जैसे वहाँ जैसे पूजा हुआ नेव का तो उसमें जा नहीं पाए थे, पर 22 तारीख का जो मुहूर्त था ना, हम लोग सोचे कि इसमें हम लोग के पास 10-12 दिन टाइम है तो हम लोग सोचे कि पैदल चलते हैं, और बस सुविधा नहीं थी, मतलब बस में इतना भीड़ था और ट्रेन भी वहाँ जाने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई पैदल ही चलते हैं वहाँ। ये बताइए कि यहाँ से कितने दिन पहले निकले थे और कितने दिन में आप पहुँचे? हम लोग यहाँ से लगभग आज हम लोग का 15 दिन लगभग हो गया, हम लोग 11 को निकले थे और वहाँ तो पहुँचे 22 को शाम के वक्त पहुँचे, पर 22 तारीख को हम लोग का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन माननीय मोदी जी आए थे और वहाँ जैसे VIP लोग गेस्ट लोग आए थे तो उस दिन बस आम जनों के लिए वहाँ मतलब खोला नहीं गया था, मतलब आए थे सब आए थे, मतलब VVIP से लेकर पूरे मंत्रिमंडल के जितने भी लोग थे, साधु संत लोग सब आए थे वहाँ, मतलब हम लोग जैसे जितने भी थे 22 तारीख को मंदिर तक पहुँचे थे? हाँ पहुँच गए थे, मतलब अंदर वहाँ से 500 मीटर अंदर तक नहीं घुस पाए थे, मतलब अच्छा। इतना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा था और कम से कम करोड़ों आदमी थे वहाँ भक्त ऐसा। हाँ और ये बताइए कि आपको दर्शन कब हुआ राम जी का? दर्शन
23 तारीख का हुआ, वो भी सेकेंड टाइम में हुआ। हम लोग 3-4 बजे से लाइन लगे थे और लगभग 10 किलोमीटर दूरी का लाइन लगा हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि 10 किलोमीटर यहाँ से सुन। कितने टाइम लगा आपको 10 किलोमीटर लाइन पहुँचने मंदिर तक? हम लोग को लगभग 7-8 बज गया रात में। मतलब कई घंटा लाइन में खड़े रहे हम लोग? लगभग 4 घंटा के करीबन रह गए थे। हाँ, ये बताइए, जब यहाँ से आप पैदल चलना शुरू किए तो लोग क्या क्या बोले और कैसे लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? लोगों का प्रतिक्रिया तो सबसे अच्छा था, और सबसे अच्छा तो हमारे गांव तरफ से भी बहुत अच्छा था। मेरे घर वाले भी मेरे को सपोर्ट किए, घर वाले से लेकर गांव वाले भी सपोर्ट किए, दतिमा वाले भी सपोर्ट किए, और आपका जो मेरे को सबसे अच्छा बेहतरीन आपका कर्मा क्षेत्र में लगा, और वहाँ लटोरी में, क्योंकि वहाँ मेरे को अब दिल्ली से नहीं बोल बता सकता हूँ, बयान नहीं करता था। इतना अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद, जैसे निकलते गया, उन सब के लिए मेरे तरफ से एक बार धन्यवाद देता हूँ मैं उनको कि जो मेरे लिए आए इतना। पैदल आप लोग यहाँ 700 किलोमीटर जाने के लिए, राम मंदिर दर्शन करने के लिए सोच लिए, हाँ। लेकिन आप लोग रास्ता में कहाँ सोते थे, क्या खाते थे? रास्ता में तो देखिए, भगवान तो पहले से बना दिए रहते थे कि यहाँ रुकना है तो यहाँ रहना है। जैसे कभी कभी हो जाता था तो हम लोग मंदिर में, धर्मशाला में, या कहीं सरकारी आवास रहता था वहाँ रुके थे। और एक बार तो हम लोग वही एक पुलिस स्टेशन में रुक गए थे, क्योंकि 10 किलोमीटर का जंगल था और शाम के वक्त हो गया था, 4 बजने वाले भी थे, तो हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते जंगल को पूरा। तो इसलिए हम लोग बीच में एक दो जगह ऐसा था कि हम लोग रात में ज़्यादा सफ़र भी नहीं करते थे जंगल एरिया को देख के। और खाने पीने के चीज़ थे तो रास्ते भर में लोग जैसे था देखते थे, पूछते थे कहाँ जा रहे हो, पर हम लोग का जब झंडा उंडा हम लोग रखे रहते थे, फ्लैग हमारे पीछे साइड, तो लोग पूछते थे और जानते फिर बताते थे। और लोगों को आगे जाने पर उन लोग हम लोग को प्रसाद वो मतलब सब कुछ देते थे, मतलब खाने के लिए बुलाते थे, चाय भी देते थे और केला उला भी दे देते थे। पर हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रहते थे, क्योंकि हम लोग का चलना भी रहता था, उनका भी आदर करना रहता था। एक आध दो लेके हम लोग खाते खाते रास्ते भर में हम लोग बैठ के नहीं खाते थे, मतलब चलते जाते थे, एक आध दुका रख लीजिए रहते थे और खाते खाते चलते थे आगे। रास्ता में कोई बड़ा परेशानी आप अगर शेयर करना चाहें हमसे, क्या हुआ है रास्ता में, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हो आपको जाने समय, ऐसा कोई कहानी? जाने समय तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ से लगभग, मैं आपका बनारस पहुँचने टाइम मेरा पैर थोड़ा सा खसक गया था। मतलब जैसे मैं हम लोग चल रहा था तो जैसे रास्ता का जो कोर रहता है उसमें मेरा पाँव फंस गया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा लड़क गया, मतलब तो मेरे पाँव में मोच आ गया था, तो मेरा नस खींचा गया। तो उसके चलते मैं धीरे 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 एक डंडे के सहारे से मैं अपना बनारस क्रॉस किया। उसके बाद फिर बनारस में एक दिन रुके हम लोग, फिर सुबह हम लोग गंगा स्नान किए, फिर वहाँ से सुबह वहाँ जैसे हमारे 80 घाट के त्रिलोकी जी महाराज है, और हम लोग का बहुत ही अच्छा स्वागत किए वहाँ भी, मतलब वहाँ से विदाई भी दिए। फिर हम लोग सुबह निकले, फिर वहाँ जाते जाते मेरा पाँव में भी सूजन आ गया था और पोड़ा उड़ा भी आ गया था, पर चलने में हम लोग का दिक्कत नहीं रहता था। हम लोग जहाँ रुकते थे, मतलब 5-10 मिनट के लिए रुकते थे, तो फिर चलने के लिए उस टाइम ज़्यादा दर्द देता था, क्योंकि रुकने से हम लोग का जैसे पाँव में जैसे पाँव का जो मान लीजिए जो रहता है सूजन, वो बढ़ जाता था रुकने पर। अब चलते रहते थे तो हम लोग का पाँव में मान लीजिए सूजन दर्द तुरंत सब खत्म चलने में। अच्छा, हाँ। श्री राम जी के मंदिर, आप सूरजपुर जिला के प्रथम नागरिक हैं जो दर्शन करके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, गर्व की बात हो रहा है कि राम जी देखिए कि 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचा और मैं देख पाया राम जी को। और कम से कम 500 बरसों बाद राम जी का दर्शन हुआ वहाँ, मतलब वो अपने जगह अपने स्थान में जाके विराजमान हो गए। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा, वहाँ जाने के बाद मेरा मतलब मन में एकदम सुकून आ गया। मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा प्रतीत होता था वहाँ जाने के बाद। आप ये बताइए कि रास्ता में आपको कुछ लोग फल फूल दिए, मैं देखा कुछ लोग पैसे भी दे रहे थे, तो मैं उस पैसा का, और बहुत लोग मेरे को पैसा इस और दिए, तो मैं उनके नाम से वहाँ मतलब भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया। मतलब कि बोले कि बहुत लोग जैसे जो जा नहीं पा रहे थे तो उन लोग मेरे को पैसा भी दिए, बोलते हैं हमारे नाम से एक माला भी चढ़ा देना या कुछ चीज़ वहाँ जाके दे देना, मतलब नारियल भी चढ़ा देना। तो हम लोग किसी को मना नहीं किए, मतलब रास्ते भर में जितने भी मिले हम लोग सबका आदर करते हुए चले गए और सबका वहाँ जाके, और जितना भी मेरे पास जो पैसा आया था
मैं उन सभी का मतलब मैं सोचा कि वो मेरे भगवान का दिया हुआ पैसा है, मतलब देने के लिए हम ही को दिए थे, बोले कि रास्ता भर में अपना यूज कर, पर मैं उसको ना यूज करके मेरे घर में दिए थे पैसा मेरे को, मैं उसी के यूज किया, जो पैसा मेरे को मिला था रास्ते भर में उसका मैं प्रसाद ले आया। सबके लिए प्रसाद ले, मैं आप देख रहा था आपका पैर एकदम लड़खड़ा रहा है, चलने नहीं सक रहे हैं, दो लोग पकड़ के चला रहे हैं, और यहाँ से अंबिकापुर से अयोध्या पैदल 700 किलोमीटर गए, तो पैर का क्या हालत है अभी? अभी तो पैर का हालत मतलब सूजन आ गया है पैर में, पर अब उतना अब तो मैं अपने जगह में आ गया हूँ, उतना तो उधर भी दिक्कत था, मतलब इतना दर्द होता था, मतलब बीच बीच में मतलब चलने का मन नहीं करता था, तो हम लोग 2-5 मिनट रेस्ट कर लेते थे, और 10 किलोमीटर का जो सफ़र रहता था हम लोग 3 घंटा में कभी पार होता था, ऐसा जगह फंसे कि 3 घंटा में कम से कम 10 किलोमीटर। एक दिन में कितना किलोमीटर चलते थे आप? हम लोग लगभग वो सुबह से हम लोग 4-5 बजे से अपना फ्रेश हो जाते थे, 5 बजे निकलते थे, और रात में 9-10 बजे तक करीबन चलते थे, और लगभग वो हम लोग का सफ़र 50+ होता था, 50 किलोमीटर। हाँ, वो हम लोग का टारगेट बना के चलते थे कि हम लोग को एक दिन में 50 करेंगे तभी हम 11-12 दिन में हम अयोध्या पहुँच सकते हैं, अगर हम लोग उतना कवर नहीं किए रहते तो वहाँ नहीं पहुँच सकते। अच्छा, टोटल कितना दिन लगा? हम लोग का टोटल लगभग आपका 13 दिन मतलब लग ही गया। सबसे ज़्यादा किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी पात्र हैं, मेरे लिए कोई नहीं है कि मैं इनका नाम लूँ, मैं ये मेरा मानना ये है कि जितने लोग मेरे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, मेरे घर से लेकर जितने भी मेरे बाहर के लेकर और जितने भी मेरे सहपाठी थे, मतलब मेरे मित्र थे, जितने भी दोस्त यार हैं, सबके लिए मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ में बैठी हैं माता जी, आप हम लोग देखे वीडियो में इनका आशीर्वाद दिए थे जाने समय, आपको क्या लग रहा था जाने से पहले? का लगत रही जाए से पहले जा पा रही? हाँ, मोर बेटा कही गोड़े गिरी तो कही कि जात हो दाई। हाँ, तो कही कि मैं कहीं जा बेटा बनिया ने बनिया फिर बे। हाँ, तो तुमके लगत रही कि पैदल जा पा रही? हाँ, तो मैं कहत रही पैदल जात हो दाई तब बनिया रवे दाई। हाँ, कही कि मैं जात हो दाई पैदल। कही कि मैं आशीर्वाद दे रहे हैं ना? हाँ, दे रहे। कैसे मामा जी को आशीर्वाद दिए थे जाने से पहले? हाँ, आपके भांजी है ना? हाँ, तो कैसे आपको बता के गए थे? बताए थे। क्या बोले थे? बोले मैं अयोध्या जा रहा हूँ। आप सुन के पहली बार कैसे लगा? लगा कि जा पाएंगे। जा पाएंगे लगा? हाँ। ऐसा तो नहीं लगा कि क्या पता जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? नहीं लगा। क्या नाम आपका? सुनीता राजवाड़े। अच्छा, कौन क्लास पढ़ती हैं? 11th। 11। साथ में इनकी भाभी भी जुड़ रही हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयंती राजवाड़े है। पहली बार जब बताया कि अयोध्या जा रहा हूँ मैं 700 किलोमीटर पैदल, तो आप क्या सोचे? जा पाएंगे सोची। सोचे? हाँ। आप आशीर्वाद दिए थे? हाँ, दी थी। कैसा लग रहा है आपको? आप सूरजपुर जिला से पहला व्यक्ति है आपके घर से जो अयोध्या गया है और श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया है, और वो भी पैदल। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद देना चाहूँगी और बस इतना ही। जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ से अयोध्या पैदल यात्रा 700 किलोमीटर लगभग भाई ने किया तय, और कठिन परिश्रम लगता है दोस्तों, सुनने में लग रहा है कि 700 किलोमीटर है, हम भी चल जाते, कोई भी चल जाता, लेकिन पैर फूल गया है, चलने नहीं सक रहे हैं, साथ में रास्ता में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई होंगी, तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं वही सुन रहे हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए 700 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, आपको अगर सवेरे मॉर्निंग वॉक बोल दें कि कोई जाने के लिए 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो आप लोग को नहीं हो पाता है, डॉक्टर अगर बोल दे कि मॉर्निंग वॉक जाना है तो नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन भाई ने 700 किलोमीटर जाकर पैदल यात्रा करके और श्री रामचंद्र जी मंदिर अयोध्या का दर्शन किया और वापस आया, हम भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरे परिवार को धन्यवाद करते हैं कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जाने के लिए सभी परिवार वालों ने इनका सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, तभी ये संभव हो पाया है, अगर कहीं ना कहीं परिवार साथ नहीं देता तो ये संभव नहीं हो पाता। तो आप क्या बोलना चाहेंगे या पूरे दर्शन के बारे में कमेंट करिए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, आप सच्चे भक्त हैं जय श्री राम के, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। मैं गोविंद कुशवाहा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कैमरामैन बिट्टू कुशवाहा सक्षम कुशवाहा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।